योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलने की आपकी इच्छा थी कि आपकी बात पीड़ा सुने, तो अभी तक उन्होंने ऐसा कोई रास्ता नहीं बनाया। मुख्यमंत्री जी से मेरा एक निवेदन था कि अगर वो मिल जाते तो उनसे मेरी गुहार थी कि मेरे बच्चों के ऊपर छत्र छाया करें, इसलिए मेरे बच्चे इस समय बहुत डर गए हैं और मुझे फैसला दें इस अपराधी को छोड़े ना। आपने कई बार गुहार लगाई लेकिन आपकी बात अभी मुख्यमंत्री तक पहुंची नहीं, क्या वो मिलना नहीं चाहते? अब ये तो आप लोगों के जरिए है कि मुख्यमंत्री जी तक मेरी आवाज़ पहुंची या वो मिलना नहीं अभी चाहते, अभी उनके ऊपर निर्णय है। कुछ भाजपा के बड़े नेता भी आए थे, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? बड़े नेता आए थे लेकिन उन्होंने ही कहा कि आप लोग धीरज रखिए, जो उन्होंने कहा वो करेंगे, वो उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो अभी भी मतलब आपकी गुजारिश यही है कि मुलाकात हो मुख्यमंत्री? मेरी ये गुजारिश है कि अगर मुलाकात हो उसके पहले इनका खात्मा हो जाए, इनका खात्मा हो जाए तो मेरे दिल की तसल्ली, एक धड़क, एक डरपन खत्म हो जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार आप 21 दिन हो गया, 22वां दिन चल रहा है, मुख्यमंत्री जी आप लोगों से नहीं मिल रहे, तो इस पीड़ा को क्या आप फिर से व्यक्त करेंगे? जी हाँ, मैं फिर से निवेदन करूँगी, बाबा जी एक बार मुलाकात कर लीजिए, मैं अपनी व्यथा आप पे ही बता पाऊँगी। आप मेरे पिता समान हैं क्योंकि मेरा आपको यह है नहीं, असहाय हूँ, मेरी मदद कीजिएगा, मुझे राह दिखाइएगा। व्यक्तिगत उन्हें मिलना चाहिए, एक बेटी की पुकार है जी। आपने उन्हें अपने पिता माना है जी, तो एक बात की फर्ज बनता है कि अपनी बेटी के उसकी सुरक्षा उसके दुख में खड़े हो जी, तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को खड़ा होना चाहिए, ऐसा निवेदन है? बिल्कुल निवेदन कर रही हूँ उनसे। बार में उमेश पाल इकलौते थे जो पूरे, क्योंकि इससे पहले उनके भाई की कोरोना में डेथ हो गई थी और बाद भाई जो है वो काफी उम्र दराज हो गए हैं जी, परिवार में बहुत बड़ा परिवार जी, पूरे कुनबे को संभालने वाले इकलौते थे जी। अब शासन स्तर से ऐसी कोई आपको कुछ राहत उम्मीद है? अब ये तो बाबा जी ही दे सकते हैं, जो कुछ कर सकते वही कर सकते। मैंने कहा ना कि मैं गुहार उन्हीं से लगा पाऊंगी, मेरे घर में सब असमर्थ है इस समय, मेरे घर के सभी बच्चे छोटे हैं, कोई बड़ा नहीं है, और मेरे जो बड़े जेठ हैं वो भी अब उनकी उम्र हो नुकचाई है, तो वो इस स्थिति में नहीं है कि वो हम लोगों का कार्यभार संभाल सके। अभी आपने जैसा सुना कि उमेश पाल की पत्नी जयपाल, उनकी माता शांति पाल लगातार सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से यह निवेदन कर रही हैं कि उनसे मुलाकात का वक्त मिल जाए, उनकी पीड़ा को सुनने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ समय दे दें और वो अपनी दिली इच्छा और अपनी पीड़ा है जो है बता दें। इसके साथ ही जहां तक बार बार वो लोग ये कहते हैं कि कुछ ऐसी बात है जिसे हम सिर्फ योगी आदित्यनाथ को ही बताएंगे, उनकी बात को ऐसी बात हो सकती है कि वो बात कोई बहुत बड़ा खुलासा भी हो सकता है, जिसे उन्हें अविश्वास है कि सूबे के मुखिया आदित्यनाथ उस बात को सुनकर उमेश पाल के हत्यारों को कठोर से कठोर सजा देंगे और इनके परिजनों को, इनकी माँ को, इनकी पत्नी को और उमेश पाल के जो अन्य बच्चे हैं उनको न्याय मिल पाएगा। प्रयागराज से NBT ऑनलाइन के लिए वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिव पूजन।